जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। पटना जिले के नौबतपुर स्थित तरेत गांव में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हनुमंत कथा का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत आगामी 13 मई से होनी है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को तरेत स्थान से भव्य कलश शोभा यात्रा से शुरू हुई। शुक्रवार के अहले सुबह ही रंग बिरंगी परिधानों में सुसज्जित महिलाएं की एक विशाल टीम नौबतपुर थाना के नजदीक से कलश में जल लेकर तरेत गांव हनुमंत कथा स्थल पर पहुंची। 5,100 महिलाएं इस कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। उन्होंने प्रतिमा के नजदीक कलश के जल को रखकर जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाए। बड़ी झुंड में कलश माथे पर लेकर आ रही महिलाएं भगवाधारी के नारे लगाती दिखी। बता दें कि नौबतपुर में 13 मई से 17 मई तक बागेश्वरी धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिव्य दरबार लगने जा रहा है। इसे लेकर बागेश्वरी समिति की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।